नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टिप्स एंड ट्यूटोरियल में। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है शिक्षा तथा अन्य जानकारी से भरी वीडियोस, जॉब रिलेटेड वीडियोस तथा ऑनलाइन अर्निंग से संबंधित वीडियोस को देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हम जब भी इस तरह के वीडियोज़ को अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, ज़रूरी खबर अभी यह है कि बिहार बोर्ड का 10th का जो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम जिस स्टूडेंट्स ने दिया था, उसका रिज़ल्ट जारी हो चुका है या फिर चंद मिनटों में जारी होगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप कि ये लाइव हिंदुस्तान की तरफ से न्यूज़ आ रहा है, और वैसे भी 3:30 बजे लॉन्च होने वाला था, लेकिन बिहार में पता नहीं क्यों हर बार देरी से रिज़ल्ट जारी होता है। मेरा भी 12th जो था उसमें भी हम लोगों को 2 बजे के आसपास रिज़ल्ट आने वाला था, जो कि 5 से 6 बजे देखा गया। तो दोस्तों ये भी 3:30 बजे का टाइम, हालांकि फेल कर चुका है बिहार बोर्ड, और यह अभी 3:53 हो रहा है, लगभग 4 बज चुके हैं और अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है। मतलब कि बिहार बोर्ड का वेबसाइट क्रैश हो रहा है दोस्तों। पता नहीं बिहार का कैसा वेबसाइट है दोस्तों, फिर भी मैं बताता हूँ कि आपको देखने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको गूगल के सर्च बॉक्स में जाना है और www.biharboardac.in लिखना है दोस्तों, ac.in ये लिखकर आपको सर्च करना है दोस्तों। और इसको खुलने दे रहे हैं दोस्तों, देखते हैं कि अभी रिजल्ट। ये देखिए दोस्तों, सर्विस अनअवेलेबल है, बस आपको यही वेबसाइट खोलना है और इसी पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका रिज़ल्ट। मैं बताता हूँ सारा प्रोसेस, आपको बता देता हूँ कम से कम इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने गूगल में लिखना है www.biharboard.ac.in। उसके बाद आप उसके होम पेज पर जाइएगा, जो अभी खुल नहीं रहा है दोस्तों, लेकिन कुछ देर बाद वो खुल जाएगा। और उसके बाद अपना रोल नंबर भरना है, और अगर वहाँ पर कैप्चा आता है तो कैप्चा भर दीजिएगा, और रोल कोड आता है तो रोल कोड भर दीजिएगा। बस आपको सबमिट पे क्लिक करना है और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा दोस्तों। अभी बिहार बोर्ड का वेबसाइट काफ़ी क्रैश हो रहा है, तो इस तरह से हो सकता है आपको ये चीज़ देखने में दिक्कत हो जाए। तो अगर जो ही आपका रिज़ल्ट आता है तो दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट लेना तो भूले नहीं, कभी नहीं भूले, उसको ज़रूर ले ले, और इसी तरह से आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। आप बार बार सर्च करते रहे, क्योंकि टाइम हो चुका है रिज़ल्ट का, और आप www.biharboard.ac.in पर जाकर के आप बार बार चेक करते रहिए, आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, यही सिर्फ बिहार में होता है इस तरह का, कि ऑफिशियल वेबसाइट खुलता नहीं रहता। तो देखिए ये खुल तो चुका है, लेकिन फिर भी ये बता रहा है कि इसका वेबसाइट देखिए एरर बता रहा है। ये हम पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये एरर बता रहा है। आप लोग भी ट्राई करते रहिए, और हम भी हमेशा से ऐसे रिज़ल्ट देखते आए हैं, और आपको भी ऐसे ही देखना पड़ेगा। बिहार में पता नहीं क्या हो गया दोस्तों, ये रिज़ल्ट एरर, बार बार एरर आ रहा है। आप चेक करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है दोस्तों, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में।